रिव्यू में मैं दोबारा कहूंगा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको हाईलाइट होना चाहिए, उसको हाईलाइट होना चाहिए, खासकर मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट अगर वो इनिशिएट हो चुके हैं तो उसको भी उसके हमारी टीम उसको ग्राफिक करके, उसकी वीडियोग्राफी करके उसको प्रेजेंट करें। और अगर जाएँ ग्राउंड पे एक चीज़ें मौजूद हों तो हम दूसरे बंदे को कहेंगे कि हाँ जी हमारी ये चीज़ भी शुरू है, हमारी ये चीज़ भी शुरू है, हमारी ये चीज़ भी शुरू है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खासकर साइंस प्रमोशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया अब इस तरफ ज़्यादा आ रही है। CIU टीम की जिम्मेदारी ऑलरेडी हमने लगाई हुई है कि वो चेक करें कि दुनिया में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नई इनोवेशंस हो रहे हैं और पाकिस्तान में हम किस लेवल पर हैं, वो किस लेवल पर हैं, और आप एक नई चीज़ों के साथ आएँ डिपार्टमेंट को वो चीज़ें आगे पहुँचा दें कि जी ये चीज़ दुनिया में हो रही है, अब आप इसको जाके इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। इस तरह IT में दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो हम इसको लीड करें, हमारा डिपार्टमेंट इसको लीड करें कि इस सूबे में फ्रीलांसर को हम सपोर्ट दे रहे हैं की हुई है। और उनको हमने ये कहा है कि हम एक प्रपोजल के साथ हम आएंगे, हमने जो वो फंड जो कर्जे वो दे रहे थे हमने कहा कि हम आपको एक प्रपोजल के साथ हम आएंगे, हम सूबे के कोई 20-25,000 नौजवानों को हम टारगेट करके फ्रीलांसिंग, मतलब फ्रीलांसर तो हमारे बहुत मौजूद है, अब इसको इक्विप करना है, तो कैसे इक्विप करना है उसके लिए फंडिंग ज़रूरी होती है, तो वो हम कामयाब जवान जो पाकिस्तान है हम अपने प्रपोजल IT बोर्ड उसको प्रपोजल सबमिट करवा देगा। ठीक, उस बेस पे अगर वहाँ से हमें फंडिंग आती है तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा 25-30,000 नौजवानों के लिए फ्रीलांसिंग उसमें हम लॉन्च कर सकते हैं। फ्रीलांसर हमारे लिए और हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर हम उसको इक्विप कर दें तो ये इस नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मतलब पहुँच रही है कि सिटी साहब ईटा गए, आप उधर गए, CFC विज़िट किया, आप गए सार के, तो अब वो सबको नज़र आ रहा है और सब इसको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी एक काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट का तो मेरे ख्याल में सबसे अहम डिपार्टमेंट है, लेकिन लोग उसको उससे नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उसको किस्म आप समझ लें कि सीरियस ले रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी ये सब की ज़रूरत है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारा यही है कि हम अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं तो इससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इससे डिपार्टमेंट से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, और इस डिपार्टमेंट का अगर नाम होगा तो आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा और सूबे का भी नाम होगा, क्योंकि जब पहले अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसको सूबे में अप्रिसिएशन मिलती है, अगर वो जब बाकी सूबे उसको देखते हैं तो फिर पूरे मुल्क में इसकी अप्रिसिएशन होती है। तो ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क के ज़रिए ही मामला आगे जा रहे होते हैं। अब देखें अगर गिलगित बल्तिस्तान से अगर हमायूं खान की खिदमात ली जा रही हैं तो ये इस सूबे का एज़ाज़ है, इस सूबे का एज़ाज़ है, और ये मेरे ख्याल में इसको भी बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रोपेगेट करना चाहिए, हमारी मीडिया टीम को ये इस पर काम करना चाहिए। जब सेक्रेटरी साहब गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो वहाँ हमारी टीम साथ आपके साथ हो और इसकी भरपूर तरीके से कवरेज हो के गिलगित बल्तिस्तान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की इस सेक्टर में रिकग्नाइज किया, खिदमात ली गई और ये बाकी सूबों के लिए भी एक मिसाल होगा। तो ये आप लोग आए इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों की, बल्कि सेक्रेटरी साहब तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह उनकी नशस्तें चलती रहेंगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम मंथ बाद जब इंशाल्लाह मेरे जिंदगी रही एक मंथ बाद फिर मिलें तो उसमें वो जो टास्क दिए गए थे वो उसमें काफ़ी हद तक हम उसको अचीव कर चुके हों, और अचीव के बाद नए टास्क पे फिर हम जाएं तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा और इस सूबे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।